हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। ये मेरी वही स्टूडेंट है जिनके ऊपर मैंने पैनकेक का मेकअप करके दिखाया था, और मैं आज इनके बालों में प्रेसिंग से कर्ल किस तरीके से कर सकते हैं और एक अच्छा सा लुक बालों में आएगा। और ये मेरी वही स्टूडेंट है जिनके बालों में मैंने कॉम से वी शेप की कटिंग करी थी। आज मैं इनके बालों में प्रेसिंग से हेयर स्टाइल बना रही हूँ, बालों में बाउंसी लुक दे रही हूँ। काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके के हेयर्स, और आजकल ऐसे बाल चले भी हुए हैं। आप प्रेसिंग से किस तरीके से बालों को कर्ल कर सकते हैं, इस तरीके से हमने जो प्रेसिंग ली है हमारी आइकॉनिक की प्रेसिंग है ये। आप प्रेसिंग कोई सी भी लें लेकिन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की प्रेसिंग होनी चाहिए। ये हमारी आइकॉनिक की है, आप कोई सी भी ले सकते हैं आइकॉनिक की, फिलिप्स की। और ये देखिए हमने इनके बालों में हेयर स्प्रे डाला है, हेयर स्प्रे हमने टाफ्ट का लिया है। ये हमने इस तरीके से बालों को फोल्ड करेंगे। इनके ऊपर मैंने ओलिविया पैनकेक का बेस बनाया था। आप इनके, अब मैंने इसमें बताया था कि मैं इनके बालों में भी किस तरीके से लुक दूंगी, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। ये देखिए हमने टाफ्ट का हेयर स्प्रे लिया है। कई बार कमेंट्स आता है, मैडम आप कौन सा हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, तो मैंने टाफ्ट का, इसका 5 नंबर है, 5-6 नंबर इस तरीके से करके आते हैं हेयर स्प्रे में, हमने हेयर स्प्रे डाला है। और इससे काफ़ी टाइम तक हमारे हेयर स्टे रहते हैं। कई बार हम लोग कर्ल वगैरह करवाते हैं हेयर्स में और जल्दी खुल जाते हैं, तो आप टाफ्ट का ले सकते हैं। ये हमने आइकॉनिक की प्रेसिंग से इस तरीके से हम सारे बालों में कर्ल करते जाएंगे, और एक आप देखेंगे इनके बालों में एक अच्छा लुक आएगा और अच्छा हेयर स्टाइल भी बन जाएगा इनका। आजकल इस तरीके के हेयर्स का फैशन भी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।